हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। तो आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड हुई 34 पोस्ट। जी हाँ, 34 वैकेंसीज को इंट्रोड्यूस किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियरिंग इन एनवायरनमेंट। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, बीटेक आपने कवर की है केमिकल से, सिविल से या एनवायरनमेंट से, एंड आपने मास्टर्स भी अपनी कंप्लीट की है, गेट स्कोर आपके पास है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट करना ना भूलिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर द मोर जॉब अपडेट्स। हम डेली न्यू वैकेंसीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल फील्ड से। सो अगर आपको डेली अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर बात की जाए वैकेंसीज की, 34 वैकेंसीज मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आउट की हैं। ये वैकेंसीज यहाँ पर कैटेगरी वाइज फाइनलाइज्ड हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वैकेंसीज को फिक्स रखा हुआ है कि अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज से हैं, वहाँ पर भी फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं सीट्स। तो 34 टोटल वैकेंसीज हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है केमिकल से, सिविल से या एनवायरनमेंट से, प्लस आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अपनी मास्टर्स भी कंप्लीटेड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे इंटरव्यू या रिटन एग्जाम नहीं है। सिर्फ आपको अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, एंड आफ्टर दैट शॉर्ट लिस्टेड होंगे डॉक्यूमेंट्स के वाइज या प्रोफाइल के वाइज, एंड उसके बाद आपको लिस्ट निकाली जाएगी एंड आपको सिलेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर हम बात करें पोस्ट के बारे में, तो ये पोस्ट हैं, 34 पोस्ट हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, गेट स्कोर यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। अगर आपके पास वैलिड गेट स्कोर है 3 इयर्स तक का, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एज लिमिट की। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड हुई ये असिस्टेंट इंजीनियरिंग की इन्वायरमेंट में पोस्ट है, जिसके लिए अगर बात करें एज लिमिट, तो एज लिमिट मोर देन 40 है। 40 से ज़्यादा आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 21 रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप MP मध्य प्रदेश के रेजिडेंट्स हों, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया टोटली नोटिफिकेशन मेंशन है। तो एज लिमिट आपकी मैक्सिमम, अगर मध्य प्रदेश के डोमिसाइल एप्लीकेंट्स हैं आपके, तो 40 to 45 की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हो, तो मैक्सिमम एज लिमिट आप 40 कंसीडर कर सकते हैं एंड मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर रहेगी 21। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, कि कैसे अप्लाई करना है इस पोजीशन के लिए। ये जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग की इन्वायरमेंट में पोस्ट निकली है मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहाँ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते हो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। प्लीज़ बी केयरफुल, वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स दे आर आस्किंग, जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं, उनको क्लियरली वहाँ पर अटैच कीजिए। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, देन दे हैव टू चेंज इट। कुछ ना कुछ उनको चेंजेस करने होते हैं, नेम्स में चेंज करना है या डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो उसके लिए भी मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है कि इन केस अगर आपको चेंजेस करने हैं, देन यू कैन चेंज इट। 60 रुपीज़ यहाँ पर चार्जेस रहेंगे हर एक चेंज के लिए। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, बी केयरफुल, अप्लाई ठीक से कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को कम्प्लीटली अटैच कीजिए। एंड बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर 1000 रुपीज़ है अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए। लेकिन हाँ, अगर आप SC, ST, EWS या PWD या फिर OBC कैटेगरी और MP की डोमिसाइल से हैं, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़ ही पे करने होंगे। तो अप्लाई कीजिए, एप्लीकेशंस ओपन हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है 14 सितंबर 2023 से। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी 29 सितंबर 2023। सो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, तब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रश होता है एंड कुछ स्टूडेंट्स तो अप्लाई भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए एप्लीकेशंस ओपन है 29 सितंबर 2023 से, पहले अप्लाई कीजिए, पोजीशंस ओपन हैं। हम ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस नोटिफिकेशन लिंक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नोटिफिकेशन से गो थ्रू कीजिए कम्प्लीटली, एक एक चीज़ को ध्यान से थोरली रीड कीजिए, गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस, एंड गो एंड अप्लाई फॉर दैट। ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।